नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज समस्तीपुर के पूसा और पटना में एनआईटी के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने देश भर के बालिका गृह और आश्रय गृह में बच्चों के शोषण के मामलों से निपटने के लिए जिलाधिकारियों को परामर्श जारी किया। प्रदेश के 3 जिलों सहरसा, सुपौल और अररिया में डॉल्फिन सहित जलीय जीवों का संरक्षण किया जाएगा। और विजय मर्चेंट क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार और ओडिशा के बीच मैच ड्रॉ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रदेश के एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। श्री कोविंद पटना पहुंचने के बाद समस्तीपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। राष्ट्रपति समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के 10 टॉपर छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय में 500 से अधिक छात्रों को डिग्री दी जाएगी। दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी भाग लेंगे। पूसा में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद राष्ट्रपति श्री कोविंद पटना के ज्ञान भवन में एनआईटी के 8वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। वे 10 छात्रों को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। एनआईटी के निदेशक पीके जैन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 के 736 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए पूसा और पटना में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी को अपना गैस सिलेंडर बदलने की सुविधा देने की पहल की है। इसके तहत योजना के लाभार्थी अपना 14 किलो का गैस सिलेंडर बदलकर 5 किलो का छोटा सिलेंडर भी बुक करा सकते हैं। सरकार बड़े सिलेंडर की तरह छोटे सिलेंडर पर भी सब्सिडी देगी। लाभार्थी एक वर्ष में 5-5 किलो के 34 सिलेंडर बुक करा सकते हैं। केंद्र सरकार ने बालिका गृहों और शेल्टर होम्स में बच्चों के शोषण के मामलों से निपटने के लिए देश भर के जिलाधिकारी को एडवाइजरी जारी की है। महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय ने गड़बड़ी करने वाले शेल्टर होम्स के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का सुझाव दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि शोषण के शिकार बच्चों को चिकित्सीय सुविधा के साथ 24 घंटे के भीतर मनोवैज्ञानिक उपचार और परामर्श दिया जाना जरूरी है। इधर बालिका गृह कांड के मामले में राज्य की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर में कल मंजू वर्मा की तलाश में रिश्तेदार के घर छापेमारी की। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने मंजू वर्मा की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने पर डीजीपी को तलब किया है। राज्य के सभी प्रखंडों में कल किसान क्रेडिट कार्ड के लिए शिविर लगाया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से प्रत्येक माह की 15 तारीख को इस शिविर का आयोजन सभी प्रखंड मुख्यालयों में किया जाता रहा है, लेकिन इस माह छठ पर्व के मद्देनजर इसकी तिथि में परिवर्तन किया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव समय पर करवाने को कहा है। इस संबंध में मंत्रालय ने सभी राज्यपालों को पत्र लिखा है और साथ ही उच्च शिक्षा में बेहतर स्थिति बनाए जाने तथा विश्वविद्यालयों में काम को डिजिटल करने पर बल दिया है। इसके अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया से लेकर अन्य सभी प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का भी निर्देश दिया गया है। इधर पटना विश्वविद्यालय के कुलपति राजबिहारी सिंह ने कहा है कि दिसंबर महीने में छात्र संघ का चुनाव कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश के 3 जिलों सहरसा, सुपौल और अररिया में डॉल्फिन सहित जलीय जीवों का संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सहयोग करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य जलीय जीवों का संरक्षण कर पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन में योगदान करना है। 3 जिलों में इस योजना पर खर्च के लिए 53,49,000 रूपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की गयी है। छठ पर्व की समाप्ति के बाद प्रदेश से बाहर जाने वालों के लिए रेलवे की ओर से आज से कई विशेष गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 27 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें पटना, बरौनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई और सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए चलाई जाएंगी। इनमें 7 ट्रेनें पटना जंक्शन से खुलेंगी जो आनंद विहार, मुंबई, सिकंदराबाद और हबीबगंज के लिए रवाना होंगी। राजधानी पटना सहित पूरे प्रदेश में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। राजधानी में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है।
वहीं अधिकतम तापमान में भी वृद्धि हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 48 घंटों में मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की जायेगी। मुजफ्फरपुर में डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं, जिनका इलाज श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। जिले में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। सीवान जिले में शराब कारोबारियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर शराब माफिया के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय जिले के बछवाड़ा प्रखंड के भरौल गांव में 11वें छठ महोत्सव की शुरुआत हो गई है। महोत्सव में हंसराज हंस और उमा लहरी जैसे प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। सारण जिले के पुलिस अधीक्षक ने रसूलपुर और जनता बाजार थानाध्यक्ष को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। मिथिलांचल में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक लोक पर्व सामा चकेवा शुरू हो गया है। कार्तिक मास के 5वीं शुक्ल पक्ष तिथि से इस पर्व की शुरुआत होती है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है। पर्व के दौरान बहन अपने भाई के दीर्घ जीवन और संपन्नता के लिए मंगल कामना करती हैं। कटक में आयोजित विजय मर्चेंट क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार और ओडिशा के बीच खेला गया मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया। बिहार को 1 अंक मिला है। इस मैच के बाद बिहार अंक तालिका में 3रे स्थान पर बरकरार है। बिहार का अगला मैच बंगाल के साथ 18 नवंबर से कोलकाता में खेला जाएगा। और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, सरकार का सुप्रीम कोर्ट में विमानों के दाम की जानकारी सार्वजनिक करने से इनकार। शीर्ष अदालत ने वायुसेना और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष वरिष्ठ अफसरों से भी सवाल जवाब किए। राफेल की जांच पर फैसला सुरक्षित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मंजू वर्मा की तलाश में रांची और हजारीबाग में छापेमारी जारी। दैनिक भास्कर लिखता है, 5 राज्यों में मतगणना के दिन 11 दिसंबर को शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। प्रभात खबर ने राष्ट्रपति के एक दिवसीय प्रदेश के दौरे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, आज बिहार आएंगे राष्ट्रपति, पूसा कृषि विश्वविद्यालय और एनआईटी पटना के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज समस्तीपुर के पूसा और पटना में एनआईटी के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने देशभर के बालिका गृह और आश्रय गृह में बच्चों के शोषण के मामलों से निपटने के लिए जिलाधिकारियों को परामर्श जारी किया। प्रदेश के 3 जिलों सहरसा, सुपौल और अररिया में डॉल्फिन सहित जलीय जीवों का संरक्षण किया जाएगा। और विजय मर्चेंट क्रिकेट ट्रॉफी में बिहार और ओडिशा के बीच मैच ड्रॉ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 14,000 मतदान केंद्रों की गतिविधियां इंटरनेट पर प्रसारित करेगा। इस वर्ष अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया, पिछले वर्ष के मुकाबले 54% की बढ़ोतरी। तूफान गज आज शाम तक तमिलनाडु में नागपट्टिनम पहुंचेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नई सरकार के खिलाफ संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर किया। और विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता आज से दिल्ली में। समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे सिंगापुर में 13वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन क्षेत्रीय मंच है, जिसमें हर वर्ष रूस और अमरीका सहित पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के 18 देश भाग लेते हैं। वर्ष 2005 में अपनी शुरुआत के बाद से इस सम्मेलन में पूर्व एशिया में सामरिक, भू राजनीतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने आज सवेरे अनौपचारिक भारत आसियान शिखर सम्मेलन में 10 आसियान देशों के नेताओं से मुलाकात की। श्री मोदी पहली भारत सिंगापुर हैकाथॉन प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। इस प्रतियोगिता में भारत और सिंगापुर के छात्रों ने भाग लिया था।
कल शाम श्री मोदी ने दूसरे क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस संगठन में 16 सदस्य देश हैं। प्रधानमंत्री ने उच्च गुणवत्ता के व्यापक और संतुलित क्षेत्रीय आर्थिक साझेदारी समझौते को जल्द संपन्न कराने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री मोदी ने सम्मेलन में मौजूद नेताओं से अनुरोध किया कि समझौते को जल्द संपन्न कराने के लिए अपने व्यापार मंत्रियों को आवश्यक अधिकार दें। श्री मोदी ने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। उन्होंने अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से भी मुलाकात की। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद श्री मोदी अपनी दो दिन की सिंगापुर यात्रा संपन्न होने पर स्वदेश रवाना होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने कहा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान 14,000 मतदान केंद्रों की गतिविधियों को इंटरनेट पर प्रसारित किया जाएगा। कल भोपाल में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत यह फैसला किया गया है। श्री रावत और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लवासा मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य के दो दिन के दौरे पर थे। श्री रावत ने कहा कि पहली बार मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ऐसे प्रेक्षकों की तैनाती करेगा जो मतदान केंद्रों पर दिव्यांग लोगों की सहायता करेंगे। राज्य विधानसभा निर्वाचन में इस बार पहली बार एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, क्योंकि ये साल जो है कमीशन ने सुगम निर्वाचन थीम रखी है, इसलिए जितने भी पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं उनको सुगम तरीके से मतदान करने की सुविधा दी जाए, आइडेंटिफाई किया जाए, व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाए, असिस्टेंस उपलब्ध कराई जाए, ब्रेल में एपिक उपलब्ध कराया जाए, इन सब चीजों के बारे में ऑब्जर्वर भेजें हर पोल गोइंग स्टेट में। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए कई तकनीकी उपाय किए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि सी विजिल के अलावा सुविधा, सुगम और CTOPS जैसी तकनीकी व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं। इस बार IT इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी बृहद पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। एक CTOPS करके सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करते हुए हम सभी पोलिंग पार्टीज को ट्रैकिंग करेंगे। सी विजिल एप्लीकेशन जो है वो सिटीजन्स विजिलेंस के लिए है कि कोई भी आम आदमी स्पॉट पर जाकर 5 मिनट के भीतर कोई भी शिकायती बात आप दर्ज करा सकते हैं। इसी प्रकार IT में सुगम और सुविधा दो और एप्स हैं। सुविधा और सुगम के जरिए हम ट्रांसपोर्ट मूवमेंट, बसेस का रिक्विजिशन, गाड़ियों का उपयोग, ये सब हम यूज करते हैं। उधर मिजोरम में नाम वापस लिए जाने के बाद 15 महिलाओं सहित 209 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। 40 सदस्यों की राज्य विधानसभा के चुनाव के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष सुशील चंद्र ने कहा है कि इस साल अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 54% अधिक है। उन्होंने नई दिल्ली में कल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में CBDT मंडप का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रत्यक्ष करदाताओं की संख्या बढ़कर 6,85,00,000 हो गई। CBDT अध्यक्ष ने बताया कि नोटबंदी से देश का कर आधार बढ़ाने में मदद मिली है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आज हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का 26वां सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस साल के सम्मेलन का विषय है आधिकारिक सांख्यिकी में गुणवत्ता आश्वासन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर बिहार जा रहे हैं। श्री कोविंद समस्तीपुर में पूसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। वे पटना में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 8वें दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समस्तीपुर के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। श्री कोविंद 10 टॉपर छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करेंगे। विश्वविद्यालय के 500 से अधिक छात्रों को डिग्री दी जाएगी। राष्ट्रपति पटना में NIT के दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। NIT के 700 से अधिक छात्रों को उपाधि प्रदान की जाएगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए समस्तीपुर से मैं कृष्ण कुमार लाल। झारखंड आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन वर्ष 2000 में बिहार से विभाजित कर नया झारखंड राज्य बनाया गया था। लगभग 21,000 लोगों को नौकरी के नियुक्ति पत्र भी इस अवसर पर दिए जाएंगे।
झारखंड को अलग राज्य बने आज 18 वर्ष हो गए हैं। इस अवसर पर राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में मुख्य कार्यक्रम होगा। इसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास संपूर्ण राज्य को खुले में शौच से मुक्त होने की घोषणा करेंगे। साथ ही राज्य के 3 जिलों लोहरदगा, हजारीबाग एवं देवघर को पूर्ण विद्युतीकरण जिला घोषित किया जाएगा, जिससे राज्य में अब कुल 7 जिले पूर्ण विद्युतीकरण हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री रघुवर दास कई महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी करेंगे। विभिन्न विभागों के लिए लगभग 3,000 लोगों को नौकरी देने का पत्र भी दिया जाएगा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के बीच करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण भी किया जाएगा। राजेश सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, रांची। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है जो किसी अन्य दुर्घटना बीमा के अंतर्गत लाभार्थी नहीं थे। ये योजना 18 से 70 वर्ष की उम्र के बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। पेश है हमारे पुणे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ काफी लोगों तक पहुंच रहे हैं। पुणे के एक लाभार्थी संजय माने ने आकाशवाणी को अपने अनुभव बताए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शाखा में मेरा बचत खाता है। उस बचत खाते में बैंक में जाने के समय मुझे बैंक अधिकारी ने पंतप्रधान जीवन सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी दी। उस जानकारी में ऐसा बोला था कि साल में सिर्फ 12 रुपए भरने थे और मैंने भर दिए, लेकिन कुछ महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट हो जाने के बाद मुझे इस योजना के तहत मुझे पूरा लाभ मिला। यह योजना 18 से 70 वर्ष आयु तक के नागरिकों के लिए उपलब्ध है। उन्हें सालाना केवल 12 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपयों तक बीमा सुरक्षा मिल सकती है। नितिन केकर, आकाशवाणी समाचार, पुणे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कल नए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष के खिलाफ संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव न मंजूर कर दिया। संसद के अध्यक्ष कारू जयसूर्या को कल रात भेजे जवाब में राष्ट्रपति ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव दाखिल करते समय उचित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में राष्ट्रपति की राय पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। इस बीच नए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष आज संसद में विशेष वक्तव्य देंगे। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल ने ब्रिटेन को यूरोपीय संघ से अलग करने यानी ब्रेग्जिट से संबंधित समझौते के प्रारूप का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने इसे ब्रेग्जिट की प्रगति की दिशा में निर्णायक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे आने वाले दिनों में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में समुद्री तूफान गज के आज शाम तक तमिलनाडु तट पार करने की संभावना है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ये नागपट्टिनम के निकट कडलूर और पंबन के बीच पहुंच सकता है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार अभी ये तूफान चेन्नई से लगभग 410 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम और नागपट्टिनम के उत्तर पूर्व में 450 किलोमीटर पर स्थित है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गज के कारण तमिलनाडु और पुदुचेरी में ज्यादातर स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। जिन 6 जिलों के सबसे ज्यादा प्रभावित होने की आशंका है, वहां शिक्षण संस्थानों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लंबी तटीय सीमा वाले जिलों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को राहत उपायों की निगरानी के लिए तैनात किया गया है। इन जिलों में तूफान आने के समय लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई है। भारतीय नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों में राहत एजेंसियों की मदद के लिए अपने 2 पोत तैयार रखे हैं। दक्षिण रेलवे ने रामेश्वरम से मदुरई और त्रिची जाने वाली रेलगाड़ियों को आज रद्द कर दिया है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से देवेंद्र त्रिपाठी। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा। विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। इसमें 72 देशों की 300 मुक्केबाज भाग लेंगी। प्रतियोगिता में भारत की एमसी मैरीकॉम 6ठी बार स्वर्ण के लिए उतरेंगी। वर्ष 2006 में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदकों के साथ भारत शीर्ष पर था। उसके बाद भारत पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। 35 वर्षीय एमसी मैरीकॉम 5 स्वर्ण पदकों के साथ कैटी टेलर की बराबरी पर है। एक और स्वर्ण जीतने के बाद वे सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज बन जाएंगी। इस बार मैरीकॉम की अगुवाई वाले 10 सदस्यों के भारतीय दल में अनुभवी और युवा मुक्केबाज शामिल हैं। उधर आईसीसी महिला विश्व कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज ग्रुप बी में भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे गयाना में प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपने पहले 2 मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से जीत चुकी है। आज का मैच जीतने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत
प्रशांत सहित 8 भारतीय खिलाड़ी आज क्वार्टर फाइनल के लिए अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु का मुकाबला दक्षिण कोरिया की संग जी ह्यून से होगा, जबकि श्रीकांत भारत के ही HS प्रणॉय से खेलेंगे। समीर वर्मा का मुकाबला पांचवी वरीयता प्राप्त चीन के चेन लॉन्ग से होगा। इससे पहले साइना नेहवाल पहले दौर के मुकाबले में जापान की अकाने यामागुची से हार गयी। पुरुष डबल्स में बी सुमित रेड्डी और मनु अत्री की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में अश्विनी पोनप्पा और सात्विक साईराज की जोड़ी अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य के बाहर उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई कर रहे राज्य के विद्यार्थियों की मदद के लिए 10 प्रमुख शहरों में जनसंपर्क अधिकारी तैनात करने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में लिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विशाल। भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से 36 रफाल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे की न्यायालय की निगरानी में CBI जांच कराने के लिए दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला सुरक्षित रखने को सभी समाचार पत्रों ने अपनी पहली खबर बनाया है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, रफाल खरीद विवाद पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखते हैं क्या करना है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, रफाल पर सुप्रीम सवाल, 2015 में नियम क्यों बदले, सरकार बोली कोर्ट तय नहीं कर सकता कौन सा विमान और कौन से हथियार खरीदे जाएं। 1984 के सिख विरोधी दंगों में 2 व्यक्तियों को हत्या का दोषी ठहराए जाने का समाचार भी अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिन्दुस्तान ने सुर्खी दी है, सिख दंगों में 34 साल बाद 2 दोषी करार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के बीच कल सिंगापुर में हुई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर एक बार फिर निशाना साधने पर अमर उजाला की सुर्खी है, दुनिया के हर आतंकी हमले के तार एक ही जगह जुड़े। प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से देशबंधु लिखता है, पाकिस्तान की मुख्य धारा का हिस्सा बना आतंकवाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे भारी रॉकेट GSLV Mark III की मदद से संचार उपग्रह GSAT-29 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित करने को भी समाचार पत्रों ने मुख्य पृष्ठ पर दिया है। पंजाब केसरी के शब्द हैं, भारत की बड़ी शान, इसरो की अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि, बाहुबली GSLV Mark III सफलतापूर्वक लॉन्च, बड़ी कामयाबी शीर्षक से अमर उजाला लिखता है, बाहुबली की उड़ान से गगनयान की राह और रोशन, अगले 3 साल में मानव को अंतरिक्ष में ले जाएगा GSLV Mark III। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सिंगापुर में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। चुनाव आयोग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान 14,000 मतदान केंद्रों की गतिविधियां इंटरनेट पर प्रसारित करेगा। इस वर्ष अब तक 6 करोड़ से अधिक लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है, पिछले वर्ष के मुकाबले 54% अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। तूफान गज आज शाम तक तमिलनाडु में नागपट्टिनम पहुंचेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने नई सरकार के खिलाफ संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है। और विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।